Hello students, in last classes of English language we studied chapter 9 and today we will learn chapter 10, the fire making. आग कैसे बना इसके बारे में हम लोग आज इस chapter 10 में पढ़ेंगे. When the world was very young, people lived only in a hot countries. जब दुनिया ये शुरू हुई थी तो बहुत ही hot countries थे, बहुत ही गर्म गर्म प्रदेश था और वहीं पे लोग रहते थे, इसी दुनिया में लोग रहते थे इस world में. They did not live in cold countries because they could not keep warm. वो लोग ठंडे जगहों पर नहीं रह सकते थे क्योंकि उनको ठंड लगती थी, वो अपने आप को गर्म नहीं रख सकते थे. Then they learned how to make clothes. और उसके बाद उन्होंने सीखा कि कैसे कपड़े बनाने चाहिए और कपड़ा पहनने से क्या होता है, थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है और उससे ठंडे में भी हम रह सकते हैं. When an animal was killed, its skin was cut off. जब कोई एनिमल को वो लोग मारते थे खाने के लिए, पहले तो कच्चा ही मांस खा लेते थे, तो वो लोग जो मारते थे तो उसका जो स्किन बचता था उसको वो लोग पहन लेते थे. दे रैप्ड द स्किन अराउंड देयर बॉडीज़, अपने बॉडी पर रैप कर लेते थे. द स्किन गेव देम वार्म्थ, और वही स्किन उनको गर्मी देता था. स्किन्स विच हैड फर और ऑन देम गेव द मोस्ट वार्म्थ, और जिस स्किन में फर वाला स्किन होता था तो वो ज़्यादा उन लोगों को गर्मी देता था. इवन टुडे सम पीपल वियर द फर्स ऑफ एनिमल्स टू कीप देम वार्म. आजकल भी हम लोग देखते हैं कि जो फर वाले जो जैकेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो एनिमल्स के ही फर के होते हैं और वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड में पहनने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है. एट फर्स्ट मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, वो लोग नहीं जानते थे फायर आग कैसे जलाना है. समटाइम्स अ फॉरेस्ट वॉज हिट बाई लाइटनिंग, देन अ फायर वॉज स्टार्टेड. तो क्या होता था, कभी कभी जो घने जंगल रहते थे उस पर बिजली चमकी, बारिश हुआ तो जब बिजली चमकती थी तो वो कैच कर लेते थे बिजली की चमक को. जैसे आज भी कहीं कहीं बिजली गिरती है तो लोग मर जाते हैं, तो वैसे ही उस समय तो फॉरेस्ट थे, आदमी लोग तो बहुत कम थे. तो क्या होता था, जब बिजली चमकती थी तो पूरा जो सूखा हुआ जो लकड़ी सब था, जो सूखे जंगल थे, उसे पूरा लाइटनिंग से आग पकड़ लेता था और पूरा जलता ही जाता था, जलता ही जाता, कई जंगल जल जाते थे एक बार में. द पीपल टुक सम ऑफ दिस फायर टू मेक अ फायर नियरर देयर होम्स, और उसी में से एक दो लकड़ी उठा करके, कुछ ज़्यादा लकड़ी उठा करके लोग लेकर आते थे और दूसरे लकड़ियों को जला करके और अपने घर में फिर उजाला भी करते थे और गर्माहट भी लाते थे. अ फायर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्री रीजन्स. इट गेव देम वार्म्थ. वाइल्ड एनिमल्स वेयर फ्राइटेंड बाई इट, दे डिड नॉट अटैक वेन दे सॉ अ फायर. और ये फायर आग जो है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था थ्री रीजन्स से, तीन कारणों से. फर्स्ट क्या है, इट गेव देम वार्म, वो उन लोगों को गर्माहट देता था, ठंड नहीं लगती थी उन लोगों को. वाइल्ड एनिमल्स जो है ये आग को देख करके उनके पास आते नहीं थे, वो उन पर अटैक नहीं करते थे, जब भी वो फायर को देखते थे आग जलते हुए देखकर कोई भी वाइल्ड एनिमल डर से नहीं आते थे, गर्मी से नहीं आते थे और लाइट देख करके नहीं आते थे. देन अनदर थिंग वॉज डिस्कवर्ड, वेन फूड इज कुक्ड इट टेस्ट मच बेटर. और दूसरी चीज़ का इसका डिस्कवर हुआ, उसका आविष्कार हुआ कि जब इसमें वो लोग जो वाइल्ड एनिमल्स को या कोई भी एनिमल्स को किल करते थे, मार डालते थे, उसके बाद जो खाते थे तो वो लोग तो कच्चा पका कैसे भी खा लेते थे, और जब इसी आग में उन लोग मांस डाल करके पका कर खाया तो उसका टेस्ट कच्चे मांस से ज़्यादा टेस्टी लगा. तो उन लोग को समझ में आया कि हाँ, ये जो इसमें कुक कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, फूड को पका सकते हैं और पका कर खा सकते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा. बट मैन स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, लेकिन वो लोग अब भी नहीं जान रहे थे कि आखिर ये आग बनाए तो बनाए कैसे, कैसे आग जलाएं. वेन दे हैड अ फायर दे डिड नॉट लेट इट स्टॉप बर्निंग, और जब कभी भी फायर आग लग जाती थी कहीं भी और वहाँ से वो लोग कुछ इकट्ठे करके या आग जलाते थे तो फिर उसको बुझाना भी नहीं जानते थे. इफ़ इट वेंट आउट दे कुड नॉट स्टार्ट इट अगेन, और अगर वो बुझ गया तो फिर जलाना नहीं जानते थे. दे हैड टू वेट फॉर लाइटनिंग टू स्टार्ट अनदर फायर. Sometimes they had to wait for years. और इसलिए वो लोग lightning का वेट करते रहते थे, कब आंधी आए, बारिश आए, वैसा lightning हो, मेघ गर्जे, तो उससे फिर ये आग लगे कहीं पे और हम लोगों को, तो कई साल के बाद ऐसा होता था या साल में कभी एक बार ऐसा हो जाता था, बरसात के दिनों में ऐसा होता था, उसके बाद फिर बारिश हो जाती थी तो फिर बुझ जाता था. तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था कि कैसे आखिर ये आग कैसे लगाया जाए. Later they discovered how to make fire, और धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि आखिर फायर कैसे जलाना है. इफ़ यू रब टू पीसेज ऑफ वुड टुगेदर दे बिकम हॉट एंड स्टार्ट टू बर्न, अगर तुम लकड़ी के दो पीसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ से रगड़ते जाओगे, रब करते जाओगे, तो वो
हीट अप होते होते वो जलना शुरू कर देते हैं। दे हैव टू रब वेरी फास्ट, लेकिन उसको बहुत ही फास्ट रगड़ना है, बहुत ही फास्ट रब करना है। वन वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू मेक अ लिटिल होल इन अ पीस ऑफ वुड, और उसमें एक वुड में आप होल करके दूसरे वुड को लगा करके तब आप ऐसा कर सकते हैं। एंड लिटिल पीसेस ऑफ वुड और ड्राई लीव्स आर पुट इन टू द होल, और उसमें जब आग चिंगारी जैसे ही फेंके उसमें तुरंत आप उस चिंगारी मतलब वहाँ पे रहना चाहिए सूखे पत्ते, जो ड्राई लीव्स हैं वो रहने चाहिए, जिससे कि क्या होना चाहिए तुरंत वो आग पकड़ ले, सूखे पत्ते में तुरंत आग पकड़ लेता है तो वैसा रहना चाहिए, तभी वो आग पकड़ता है। देन द एंड ऑफ द स्टिक इज़ पुट इन टू अ होल, और उसके बाद जो आप होल बनाए हैं लकड़ी के गोले में जो होल बनाए हैं उसमें तो दूसरा लकड़ी रखे हैं, फिर वहीं पे आप लीव्स ड्राई लीव्स रखे हैं और बहुत फास्ट आप उसको रब कर रहे हैं और तुरंत जैसे ही चिंगारी फेंका फिर उस होल से तुरंत ही वहाँ पे जो पत्ते हैं उसमें लगा देना है। द स्टिक इज़ रब्ड बिटवीन द हैंड्स, दीज टू होल्स बिकम वेरी हॉट, और जब उसको हम रब करते हैं तो ये दोनों होल्स बहुत ही हॉट हो जाते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ वुड एंड ड्राई लीव्स बिगिन टू बर्न, और इस तरह से जो स्मॉल पीसेस ऑफ वुड हैं और जो ड्राई लीव्स हैं सब एक साथ जलना शुरू कर देते हैं। अनदर वे ऑफ मेकिंग फायर इज़ टू नॉक टू पीसेज ऑफ स्टोन टुगेदर, और दूसरे तरह से कैसे होगा, इसमें तो वुड वाले में तो काफ़ी मेहनत पड़ेगी, वो जल्दी नहीं होता है, लेकिन स्टोन से क्या होता है बहुत जल्दी फायर पकड़ता है। दो स्टोन के पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर को, दो तरह के पत्थर को लेकर के आप जब रब करेंगे बहुत ही फास्ट रब करेंगे, अ स्पार्क इज मेड, दिस कैन बी यूज टू स्टार्ट अ फायर, और उसमें से चिंगारी निकलेगी और उससे क्या होगा कि तुरंत में ही आग कहीं भी लग सकता है और जो सूखे पत्ते उनमें तो तुरंत ही आग लग जाएगा। नाउ डेज वी हैव मैचेस एंड वी कैन कैरी देम इन आवर पॉकेट्स एंड मेक अ फायर व्हेन वी वांट टू, लेकिन आज के क्या है, आजकल नाउ डेज में हम लोग मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स, मैच बॉक्स सभी यूज़ करते हैं और पॉकेट में अपने रखे रहते हैं, कहीं भी हम लोग को दिवाली में भी पटाखे जलाने रहते हैं, अगरबत्ती जलाने रहता है, कुछ भी करना रहता है तो मैच बॉक्स निकालते हैं और माचिस जलाते हैं और फिर आराम से आग पकड़ लेता है। मैनी पीपल यूज़ हीटर्स टू कीप वार्म, और घरों में हम लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हीटर्स। ऑयल हीटर्स बर्न ऑयल, गैस हीटर्स बर्न गैस, इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, गैस ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कुकिंग, जो बहुत सारे तरह के हीटर्स हैं। फर्स्ट तो ऑयल हीटर्स हैं जो ये जैसे हम गैस जला रहे हैं या कुछ भी ऐसे जला रहे हैं, तो ऑयल हीटर से क्या होता है कि उससे हमको गर्मी मिलती है। गैस हीटर जो गैस का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो हीटर का हम लोग फिक्स कर देते हैं उससे गर्माहट होती है। इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं, जो बिजली के हीटर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ होती है। इस तरह से गैस ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कुकिंग, वो हमारे कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, ये सब ऑयल से भी और गैस से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी। ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर वन। ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज अबाउट द पैसेज, पुट अ टिक बाय द वर्ड्स विच गिव द मोस्ट करेक्ट मीनिंग्स, आपको 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। नंबर ए, एट वन टाइम पीपल लिव्ड ओनली इन हॉट कंट्रीज। नंबर बी, animal skins were used to keep people warm. Number C, men later discovered how to cook food. Number D, fire can be made by rubbing together stones or the two pieces of wood. Both are the correct one. Okay. Number E, nowadays people carry matches in their pockets. And question number two, क्वेश्चन नंबर टू ए एंड बी बोथ आर द सेंटेंस मेकिंग क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू इट योर ओन, सो यू मस्ट रीड दिस चैप्टर 10 फायर मेकिंग एंड अंडरस्टैंड दिस वन एंड रीड दिस वन प्रॉपरली, दिस इज योर होमवर्क। सो थैंक यू एंड गुड बाय।